आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिसे सुनकर जातिवादियों के होश उड़े। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बराक ओबामा जो कि एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे डेमोक्रेटिक पार्टी के। वे अमेरिकी इतिहास में पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ओबामा ने पहले 2005 से 2008 तक इलिनॉइस का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिकी सीनेटर के रूप में काम किया। दोस्तों, उन्होंने इस भीम जयंती पर आदरणीय बाबा साहेब आम्बेडकर जी को नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी हम सभी के लिए प्रेरणा स्थान है। मैंने इसके पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहूंगा कि अगर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे देश में जन्मे होते तो हम सूर्य का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कर देते। पूरी दुनिया में बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में देखा जाता है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी न कि एक विद्वान थे बल्कि वे एक अच्छे नेता भी थे। एक ऐसे नेता जो भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में समानता और बंधुत्वता को बढ़ावा देना चाहते थे। उनके विचारों से प्रेरणा लेकर मैंने भी कई बड़े कदम उठाए थे। मेरे लिए बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक महानायक थे, है और रहेंगे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उनकी जयंती पर फिर एक बार कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। दोस्तों, आपको बराक ओबामा जी के बाबा साहेब आम्बेडकर जी को लेकर विचार कैसे लगे हमें जरूर बताए। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ज्ञान डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का हिस्सा कैसे बना। दरअसल ज्ञान की परंपरा श्रम से आती है, यानी जिस समाज में श्रमण संस्कृति रही हो, ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी उसी समाज में आगे बढ़ता है। भारत का आदिवासी समाज हो या ओबीसी समाज हो या दलित समुदाय, मेहनत ही इन समुदायों की पहचान रही है। आदिवासियों के पास तो प्राकृतिक ज्ञान विज्ञान का भंडार ही रहा है। अकारण नहीं है कि बहुजन समुदायों से आने वाले महापुरुषों ने ही सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समता मूलक समाज व्यवस्था बनाने का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ब्राह्मणी समाज में श्रम की परंपरा कभी नहीं रही, इसलिए इनके यहाँ कर्मकांड और काल्पनिक कथा कहानियां तो खूब मिलती हैं, लेकिन वैज्ञानिक काम और लेखन नहीं मिलता। इसी कारण भारत के सवर्ण समाज ने दुनिया को आविष्कार और बौद्धिकता के नाम पर कुछ नहीं दिया। इनके यहाँ विद्या की देवी रही, लेकिन बहुसंख्यक जनता अशिक्षित रही और जो शिक्षित रहे वे ज्ञानहीन रहे। धन की देवी रही, लेकिन यहाँ के बहुसंख्यक लोग सदियों से कंगाल बने रहे। शक्ति की देवी रही, लेकिन यह देश लगातार गुलाम होता रहा। वस्तुतः मनुवादी एवं वर्चस्ववादी लोग खुद अज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने असमानता, शोषण और जड़ताएं तो खूब फैलाई, लेकिन ज्ञान नहीं। वहीं यहाँ के अनार्य समाज में तथागत गौतम बुद्ध, कबीर रविदास, ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, शाहूजी महाराज, रामास्वामी पेरियार, गाड़गे बाबा, अछूतानंद, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, तिलका बाबा जैसे अनेक परिवर्तनकामी महापुरुषों की एक पूरी समृद्ध परंपरा दिखती है। जीरो आधुनिक भारत में इन सभी बहुजन महानायकों का सम्मिलित रूप हमें बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर में मिलता है। डॉ अम्बेडकर के पास विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से प्राप्त शिक्षा तो थी ही, उसके साथ साथ अनुभवजन्य व्यावहारिक ज्ञान की भी प्रचुरता थी। डॉक्टर अम्बेडकर जी के विशाल लेखन और क्रांतिकारी कार्यों का गहनता से अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि भारतीय समाज संस्कृति और इतिहास की उन्हें गहरी समझ थी। वे गजब के दूरदृष्टा थे। यही वजह है कि उन्होंने व्यापक बहुजन समाज की मुक्ति का रास्ता खुद तैयार किया, जिस पर चलकर आज वंचित तबका हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने लगा है। डॉ अम्बेडकर के आंदोलन के मूल में आत्मसम्मान और मानवीय अस्मिता की भावना प्रबल थी। शुरुआती दौर के उनके आंदोलन को देखें तो चाहे वह महाड़ सत्याग्रह हो अथवा कालाराम मंदिर का आंदोलन, सब जगह यही संवेदना दिखती है। मुक्ति की, आजादी की, मानवाधिकार की, समानता की और जाति विशेष के एकाधिकारों के खात्मे की।
महद्दत सत्याग्रह के दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारे आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि जो निर्योग्यताएं हम पर थोपी गई हैं वे हट जाएं, बल्कि हम सामाजिक क्रांति चाहते हैं, एक ऐसी क्रांति जिसमें नागरिक अधिकारों के मामले में आदमी और आदमी के बीच कोई भेद न किया जाए, सभी मनुष्यों को उच्चतम स्थान तक पहुंचने के लिए समान अवसर प्राप्त हों और जाति की कोई बाधा न रहे। डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को उन्नति के पथ पर ले जाया जा सकता है। उन्होंने हमेशा शिक्षा को एक अधिकार के रूप में देखा और इसे प्राप्त करने की वकालत की। आम्बेडकर जी ने समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपने जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों के अधिकारों की रक्षा की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी योगदान यह है कि उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की जिसने भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया। उन्होंने विशेष रूप से उन अधिकारों को सुनिश्चित किया जो दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक थे। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने न केवल जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को विरासत में संपत्ति के अधिकार और तलाक के अधिकार दिलाने की कोशिश की। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में वह समानता और भाईचारा है जो हिंदू धर्म में नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने न केवल समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नई राह तैयार की। आज हम जो भी आजादी और समानता का अनुभव करते हैं वह उनके द्वारा की गई महान संघर्षों का परिणाम है। आइए हम सभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के योगदान को याद करें और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर एक और अधिक समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में काम करें। उनकी आवाज ने समाज को सम्मान और अधिकार की महत्वपूर्णता समझाई। उनका संघर्ष हमें एक बेहतर और समर्पित समाज की ओर ले जाने में मदद किया। उनके समाज सेवी और उदार विचार ने हमें एक बेहतर भविष्य की दिशा में प्रेरित किया। इसलिए हम बाबा साहेब आम्बेडकर जी को हमेशा आड़नी रहेंगे, उनके समाज सेवी योगदान को सम्मान देंगे और उनके सपने को पूरा करने का संकल्प करेंगे। उनके प्रेरणादायक जीवन को याद करके हमें उनके संदेश को साकार करने के लिए समर्थ होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है हमें कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।